Good morning, students. Today we will continue with the exercise of the poem Good Night. आज हम एक्सरसाइज सी करेंगे गुड नाइट पोयम की. एक्सरसाइज सी, कलर द थिंग्स दैट हेल्प यू स्लीप. तो बच्चों यहाँ पर कुछ वस्तुएं बनी हुई है. सी ऑल ऑफ यू, फोर थिंग्स आर मेड ओवर योर बेड: टेलीविजन, क्विल्ट, पिलो. सी ऑल ऑफ यू इन योर बुक: बेड, क्विल्ट, टेलीविजन, पिलो. आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो जो वस्तुएं आपको सोने में मदद करती है वो आपको कलर करना है. उन वस्तुओं को आपको कलर करना है. यहाँ पर चार वस्तुएं बनी हुई है. जो वस्तु आपको सोने में मदद करती है वो वस्तु को आप कलर करेंगे. यहाँ पर चार वस्तुएं दी गई है. सी ऑल ऑफ यू, फोर थिंग्स आर मेड: बेड, टेलीविजन, क्विल्ट, पिलो. बेड, टेलीविजन, क्विल्ट, पिलो. बेड मतलब आप सबको पता होगा, आप सब रात में बेड के ऊपर सोते हो. बेड यानी कि पलंग. क्विल्ट मतलब रजाई. टेलीविजन मतलब टीवी. पिलो मतलब तकिया. सो वी हैव टू कलर द थिंग्स दैट हेल्प यू स्लीप. आपको जो सोने में मदद करते हैं जो चीज़ें, यस, वो आपको कलर करनी है. जो चीज़ आपको सोने में मदद करती है, यस, आपको वो कलर करना है. आपको बेड, क्विल्ट और पिलो, पलंग, रजाई, तकिया, ये तीन आपको सोने में मदद करती है. पलंग के ऊपर आप सोते हो, नीचे तकिया रखते हो और रजाई ओढ़ते हो. तो आपको ये तीन चीज़ें कलर करनी है. यू हैव टू कलर बेड, क्विल्ट, पिलो. आप कोई भी कलर कर सकते हो, अपने मनपसंद का कलर भर सकते हो इसमें. आप बेड, क्विल्ट और पिलो को अपने मनपसंद कलर से कलर करिएगा. ये तीन चीज़ें सोने में मदद करती है. पलंग पे आप सोते हो, नीचे तकिया रखते हो और रजाई ओढ़ते हो. यस, ओढ़ते हो ना. बेड, क्विल्ट एंड पिलो. कलर द थ्री थिंग्स: बेड, क्विल्ट एंड पिलो. एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज सी. थैंक यू.